वेलकम टू मॉम्स प्लेटर ऑफ लव। आपने तो इंट्रो में देख लिया है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। बट इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए झटपट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड। आज हम चीज बर्स्ट पनीर पिज्जा बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि स्वीट कॉर्न। इसके साथ ही हमें चाहिए पिज्जा सॉस। इसे हमने खुद से ही बनाया है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। मोज़रेला चीज ली है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, आप रेगुलर चीज भी ले सकते हैं जो क्यूब वाला मिलता है। साथ ही हमने ली है चिली फ्लेक्स। अगर इसे बनाने की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ ही हमने लिया है ओरिगैनो। हमने लिया है पनीर। पनीर को क्यूब्स में कट कर लिया है और इसमें लाल मिर्च और नमक से कोट कर लिया है। साथ ही लिया है कैप्सिकम, इसे भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। ऑनियन को भी हमने इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। ये है हमारा व्हाइट सॉस। अगर आपको व्हाइट सॉस नहीं बनाने आता है तो चलिए हम देख लेते हैं। गैस में हम एक पैन चढ़ा लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच बटर। बटर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसके बाद डालेंगे एक बड़े चम्मच मैदा। इसे अच्छे से हमें भुनना है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बट कुछ देर तक हमें इसे भुनना है, लगभग एक मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, दोनों अच्छे से मिल चुकी है। इसमें कोई भी लम्स अब नहीं है। अब हमें इसे करीबन 2 मिनट तक पकाना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक और क्रीमी ना हो जाए। व्हाइट सॉस तो बनकर रेडी हो चुका है। कितना क्रीमी लग रहा है ना। इसी तरह का सॉस हमें इस पिज्जा के लिए चाहिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने पिज्जा की टॉपिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है पिज्जा बेस। ये बाजार वाला है, आप होममेड भी पिज्जा बेस ले सकते हैं। देखिए, पिज्जा बेस को मैंने 2 पार्ट्स में इस तरह से काट लिया है। ये नीचे का पोर्शन है और ये ऊपर का पोर्शन है। तो इस पिज्जा को हम बेक करेंगे, तो उसके लिए हम ले लेंगे एक प्लेट। ये स्टील का प्लेट है, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिसमें ये पिज्जा बेस अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इसको अब हम ग्रीस कर लेते हैं। बटर लगाकर अच्छे से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हम पिज्जा बेस को इसके ऊपर रख लेते हैं और ऊपर वाला पोर्शन हटा लेते हैं। हम सबसे पहले नीचे वाले लेयर में चीज की टॉपिंग करेंगे। तो हमने ऊपर वाला पोर्शन हटा लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं मोज़रेला चीज। अगर ना हो तो क्यूब वाली चीज को ग्रेट करके भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छे से चारों ओर मैंने चीज फैला लिया है। अब डालूंगी इसके ऊपर व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस को भी आप चारों ओर अच्छे से फैला देंगे। व्हाइट सॉस लग गया है। अब डालेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। इसे अच्छे से स्प्रिंकल करके हम ऊपर वाला लेयर भी लगा लेंगे। ऊपर वाले लेयर में सबसे पहले लगाएंगे पिज्जा सॉस। आप बाजार वाला पिज्जा सॉस भी यूज कर सकते हैं। पिज्जा सॉस के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस की लेयरिंग भी हम अच्छे से कर लेंगे, यानी व्हाइट सॉस को चारों ओर फैला लेंगे। अब डालेंगे इसके ऊपर ओरिगैनो। अच्छे से चारों ओर ओरिगैनो को हम स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब हम वेजीज की टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, फिर डाल रही हूँ ऑनियन। इसी तरह कर करके मैं इसे सजा ले रही हूँ। आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। वेजीज के बाद मैं डाल रही हूँ पनीर के क्यूब्स को। अब डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न। वेजेस की टॉपिंग के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर फिर से एक बार चीज। अब डालेंगे ओरिगैनो। अब डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब हम पिज्जा बेस के चारों ओर बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से बेक हो सके। पिज्जा बेक होने के लिए रेडी हो चुका है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे, इसलिए हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा ली है। मैंने एक स्टैंड रख लिया है। अब डाल रही हूँ नमक। नमक डालकर इसे लीड लगाकर हम 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे।
10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और बनाए हुए पिज्जा को अच्छे से इसमें रख लेते हैं। अब इसे कवर करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में बेक होने के लिए। 15 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा पिज्जा एकदम बनकर रेडी हो चुका है, एकदम चीजी चीजी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे हम सर्व करते हैं। चीज बस पनीर पिज्जा बनकर रेडी है, एकदम बाजार वाला लग रहा है ना चीज बस पनीर पिज्जा। ऐसा लग रहा है कि आपने इसे डोमिनोज से मंगवाया है। नहीं, इसे तो हमने खुद घर में ही बनाया है, तो आप भी इस पिज्जा को अब घर में बनाकर खा सकते हैं। आज मैं इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए इसे फटाफट से कट करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। देखिए कितना चीजी बना है, एकदम चीज मेल्ट होकर देखिए कैसे गिर रहा है, एकदम चीजी चीजी बना है आज हमारा चीज बस पनीर पिज्जा। तो चलिए मैं इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय करके आपको बताती हूँ। खाकर तो मुझे एकदम मजा ही आ गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बाजार वाले चीज बस पनीर पिज्जा से भी बहुत अच्छा बना है। अगर आपको भी इसे टेस्ट करना है तो फटाफट से जाइए और अपने घर में इसे बनाकर खाइए। आपको भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको भी मेरी मम्मी की आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। हमारे चैनल में बने रहे और हमें सपोर्ट करते रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में पड़े हुए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। नमस्कार, हमारे चैनल संगे एमनी थाको, हमें सपोर्ट करो। थैंक यू।